गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ओके, बिफोर यू नो द अबाउट द स्टेट्स ऑफ ए मोशंस मूविंग बॉडी, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशंस शुड बी मेंशन। हमारे पास में अगर हमें किसी भी बॉडी के मूविंग के बारे में पता करना है तो हमें उसके जो मोशंस के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मेंशन करने होंगे। जैसे कि हम जैसे देखते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशंस, टू डिटरमाइन द मोशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी। अगर हमें किसी भी मूविंग बॉडी के मोशंस के अगर किसी भी बॉडी के मतलब कोई मूविंग बॉडी है उसके मोशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आवश्यक होगी। हाउ फास्ट और स्लो, हमारी जो बॉडी वो कितनी फास्ट और स्लो चल रही है। द चेंज इन पोजिशंस ऑफ मूविंग बॉडी इज टेकिंग प्लेस, जो हमारे पास में जो मूविंग बॉडी है उसकी पोजिशन कैसे चेंज हो रही है। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और किस जो हमारे पास में उसके बारे में टाइम भी दिया होता है कि कितने टाइम में कितनी पोजिशन चेंज हो रही है। वेयर द मूविंग बॉडी वास एंड वेयर इट विल बी इन द फ्यूचर, हमारे पास में मूविंग बॉडी कहाँ पे थी और फिर कहाँ पे पहुँच गई और फिर कहाँ पे पहुँचना चाहती है, इस चीज़ के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास में दो प्रकार के मोशन होते हैं, टू स्टेट ऑफ ए मूविंग बॉडी, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में हमें डायरेक्ट इनके नाम से पता लग रही है कि यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक पर्टिकुलर तरीके से चलना, मतलब के वेरिएशंस नहीं होना, मतलब पहले स्लो चल रही है फिर फास्ट चल रही है, ऐसे तरीके से ना होना, एक कांस्टेंट स्पीड से चलना। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि इसमें वेरिएशंस हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। अ बॉडी इज सेड टू बी हैव अ यूनिफॉर्म मोशंस इफ इट ट्रैवल अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी। यदि हमारे पास में कोई एक बॉडी है वो कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, हम उसको तब कहेंगे यदि इफ़ इट ट्रेवल्स अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि हमारी कोई बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि आप देखिए इसने मान के चलो यहाँ से मान के चलो अगर इसने एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर किए तो दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर कवर करे, तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चले, चौथे घंटे में भी 10 किलोमीटर चले, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारी बॉडी कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है? या फिर हम ले सकते हैं कि अगर उसने हाफ आवर में 10 किलोमीटर कवर किए, दूसरे हाफ आवर में 10 किलोमीटर कवर किए, तीसरे हाफ आवर में भी 10 किलोमीटर कवर किए, तो भी हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है? तो इसका जो यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरीके से, डिस्टेंस और टाइम। तो इसका जो हमारा जो टाइम ग्राफ होता है उसमें हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन शो करती है। ये शो करता है कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर कर रही है। क्लियर है? फिर में आता है हमारे पास में जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होती है, यही हमारी इसमें गिवन है। जो हमारे पास जो ये वाला सेंटेंस लिखा है इसमें यही गिवन है, देखिए दिस कैन बी शोन इन द ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम्स द ग्राफ द डिस्टेंस टाइम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो हमारे पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास में ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो है ये यूनिफॉर्म लाइन आती है। क्लियर है? फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि हमारे पास में मांगे चलिए कोई वन आवर है, फर्स्ट पहले वाले एक घंटे में तो कोई बॉडी है वो मेरी कवर कर रही है 10 किलोमीटर, दूसरे वाले घंटे में कवर कर रही है वो 15 किलोमीटर, तीसरे में फिर 11 या 12, फिर 8 या फिर 9, मतलब कोई भी, मतलब उसने एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं किया है, उसने वेरिएबल डिस्टेंस कवर किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो इसके लिए जो हमारे पास में टाइम मिल जो टाइम और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, वो बनता है या तो इस तरीके से जो कर्व बनेगा इस तरीके से,
या फिर इस तरीके से, या फिर अगर हम उसको इंस्टेंट पर यानी कि हर एक घंटे के बाद निकालेंगे तो ऐसा जिग जैक मोशन आता है। क्या आता है? जिग जैक मोशन। तो हमारे पास में जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो टाइम और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास में इनरेगुलर होता है। कौन सा होता है? इनरेगुलर। क्लियर है? चलिए अब बॉडी शेप भी ओके क्लियर है। अब आता है हमारे पास में टाइम। बच्चे टाइम के बारे में, सन डायल्स के बारे में, इनके लिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अब इस क्लास में हमने क्या सीखा है कि यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है और उनके ग्राफ किस तरीके से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।